हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम किसी भी बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद में एक या दो दिन हो जाते हैं या चार पांच दिन हो जाते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो गई है। अगर हमें अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो वो हम किस तरीके से चेक करेंगे वो हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो जानकारी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको लिखना है DHBVN। चाहे आप उत्तर हरियाणा में रहते हों चाहे आप दक्षिण हरियाणा में रहते हों तो आप यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आप USBVN भी लिख सकते हैं अगर आप उत्तर हरियाणा में रहते हैं, और DHBVN दक्षिण हरियाणा के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिंक आ रहा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, यहाँ इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो वेबसाइट है वो ओपन होकर आपको इस तरीके से दिखेगी, और इस वाली वेबसाइट का URL मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं आसानी से, और तो आपको गूगल में सर्च नहीं करना होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो न्यू कनेक्शन लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाला आइकन है जो बल्ब जो बना हुआ है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो आप इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे ही आप ये पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ दिखेगी ट्रैक, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक द स्टेटस और पे चार्जेस ऑनलाइन, ठीक है। तो आप जो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपने एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई की थी इस वाली वेबसाइट पर तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है या फिर एप्लीकेशन नंबर जो मिलता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से कोई भी, ये देखिए ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे ट्रैक कर देता हूँ, मीन्स यहाँ जो ट्रैक बटन बना हुआ है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो स्टेटस है आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप आसानी से देख पाएंगे, कौन सा एड्रेस है, किसके नाम से ये जो है एप्लीकेशन अप्लाई की गई है, और जो इसका स्टेटस है वो आप यहाँ पे देखिए। ये देखिए रिमार्क में पेमेंट रिफंडेड, मीन्स पेमेंट यहाँ पे रिफंड कर दी गई है, और रिफंड अमाउंट है वो आप यहाँ पे इस तरीके से देख पाएंगे, मीन्स ये जो एप्लीकेशन है ये कैंसिल हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ कैंसिलेशन, ये कैंसिल हो चुकी थी यहाँ पे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है तो उसका आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि किस लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है, या फिर अगर अप्रूव हो चुकी है तो वो भी आप यहाँ स्टेटस में देख पाएंगे रिमार्क में, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क में पेमेंट रिफंडेड आ रहा है, अगर यहाँ पे पेमेंट रिफंड होने से पहले ही आप यह चेक करते तो यहाँ पे आपको रीजन मिल जाता कि किस लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि जो आपने बिजली के लिए कनेक्शन अप्लाई किया है ऑनलाइन तो उसका स्टेटस हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।